हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू एक्सलेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अग्रवाल के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि चल रहा था हमारा नंबर सिस्टम, इसके क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर हम लोग 75 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझनी होगी, जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिटी कॉन्सेप्ट, पहले ये समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 की पावर 1 की जो वैल्यू होती है 2 होती है, ठीक है। 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होती है ये होती है 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू जो होती है 16 होती है, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64 होती है, 2 की पावर 7 की होती है 128, तो 2 की पावर 8 कितनी होती है 256 होती है, ठीक है। 2 की पावर 9 यदि हम करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा 512, मतलब 512, और 2 की पावर 10 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1024, मतलब 1024। अब आप यहाँ पे एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, जब हम 2 की पावर 1 की तो हमको इकाई में क्या मिला 2 मिला, 2 की पावर 2 की है तो इकाई में क्या मिला 4, 2 की पावर 3 की है तो 8, 2 की पावर 4 की है तो 16, इकाई में हमको 6 मिल रहा है यहाँ पे, 2 की पावर 5 में इकाई में हमको क्या मिल रहा है 3, फिर 2 की पावर 6 में इकाई में क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो इसी तरह आप देख सकते हो फिर 2 की पावर 7 में 8 मिल गया, जैसा कि हमको यहाँ पे तीसरे नंबर में मिल रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर पांचवें नंबर में, ठीक है, यदि हम 2 से फिफ्थ नंबर में चले तो 2 की पावर 5 आएगी, यहाँ पर इकाई का अंक सेम आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से यहाँ चले, ठीक है, पांचवें नंबर में, तो यहाँ पे इकाई का अंक सेम है, जैसे कि इन दोनों को आप देख सकते हो। तो इसकी यदि हमको साइक्लोसिटी पता करना है तो हम क्या करेंगे, पांचवे नंबर पे हर अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, और उस अंक जिससे हम इसको ले रहे उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मिल जाएगा 4, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 की साइक्लोसिटी कितनी होगी 4, ठीक है। इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल स्क्रीन में देख रहे होंगे, स्क्रीन में भी आपको 7 की पावर 1 टू 10 तक दी होगी, तो वहां पे भी 7 की पावर 1 आपको 7 है, ठीक है, 7 की पावर 2 में जो है यूनिट नंबर जो है वो 9 है, 7 की पावर जब 3 कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा होगा, इसमें होगा जिसमें कि इकाई का अंक 3 है। तो इसी तरह हर पांचवें नंबर में इकाई का अंक आपको कॉमन मिल रहा होगा, ठीक है। तो मतलब हम 7 की साइक्लोसिटी भी बता सकते हैं कि 7 में हर पांचवें नंबर में इकाई का अंक सेम आ रहा है, और उस अंक को घटाना है जिससे कि हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक पहले नंबर को हम मतलब एक को घटा देंगे 4 हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, मतलब 7 की साइक्लोसिटी भी कितनी होगी 4 होगी। इसी तरह बात करते हैं और नंबर्स की, जैसे कि 2, 3, 7, 8, इन सभी की साइक्लोसिटी 4 रहेगी, ठीक है ना, इन सभी की साइक्लोसिटी कितनी रहेगी 4 रहेगी। 0, 1, 5, 6, इन सभी की साइक्लोसिटी 1 होगी, क्यों, क्योंकि आप 0 की पावर कितनी भी करें 0 वाले नंबर की तो आपको इकाई में हमेशा 0 ही मिलेगा, जैसे 10 की पावर कर लो, 100 की पावर कर लो, 1000 की पावर कर लो, ठीक है। 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, 1 की पावर आप यदि 1000 करते हो, 10000 करते हो, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, उसी प्रकार 5 की भी और इसी प्रकार 6 की भी, ठीक है ना। तो इनका यूनिट नंबर हमेशा मतलब सेम ही आ रहा है, इसलिए हम इसकी साइक्लोसिटी का ले रहे हैं 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 4 और 9 की देखते हैं, तो 4 और 9 में हमको जो साइक्लोसिटी मिलेगी ये मिलेगी 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिक बातें ये ध्यान रखना है, यदि आपको कहीं पे मान लो एक नंबर दिखा है 753 और इस मतलब 2 की पावर में, ठीक है, तो 2 की साइक्लोसिटी कितनी होती है, आपको 2 की पावर 753 का की वैल्यू बताना कि इसकी इकाई में कितना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि 2 की जो साइक्लोसिटी वो 4 है, और इसमें क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपको 4 से डिवाइड करना है, तो इसके विभाजिता का नियम ये कहता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट से ही आप डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, तो इस पावर को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, इसके रिमाइंडर से, ठीक है। तो जब इसके रिमाइंडर से रिप्लेस कर दोगे तो 2 की पावर होती है 1, और 2 की पावर 1 की जो वैल्यू होती है ये होती है 2, तो आप अतः कह सकते हैं हम कि 2 की पावर 753 की में इकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर 1 में होगा। तो इस तरह से हम साइक्लोसिटी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान की। मान लो मेरे पास एक नंबर है 3, 4, 8, 9, 7, इसमें मुझे पूछा गया है 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान यदि मुझे बताना है तो 8 लिखूंगा, उसके बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दूंगा, मतलब 800 यहाँ पर इस नंबर पे 8 का स्थानीय मान है, ठीक है। यदि मैं मुझसे कोई इसका जातीय मान पूछे तो जातीय मान
8 ही होगा, ठीक है, मतलब जो वैल्यू पूछी जा रही है वही क्या होगा इसका जाती है मान, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो क्वेश्चन है आज का हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, 2137 की जो पावर दी गई है हमको, कितनी दी गई है, 753। हमको इसमें इकाई का अंक बताना है कि जब हम 2137 की पावर 753 करते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे इकाई पर है 3 और 3 की साइक्लोसिटी मैंने अभी आपको बताया कितनी होती है, 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका केवल और केवल इकाई का अंक लेंगे, ठीक है, और ये जो है 753 में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम 4 का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, मतलब कितना मिल रहा है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह में इसको रिप्लेस करके 7 की पावर 1 लिख देंगे, और 7 की पावर 1 में इकाई का अंक जो होता है 7 होता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा, मतलब इसकी, मतलब 2137 की पावर 753 में भी इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको 13 की पावर 2003 दी गई है, ठीक है, 13 की पावर 2003 में आपको इकाई का अंक बताना कि इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल आपको क्या करना है कि इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट लेना है और इसमें 4 का डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको 13 लेना है, 13 में आप केवल 3 भर ले सकते हैं, ठीक है ना, 3 लीजिए और इसकी पावर में 4 का डिवाइड कीजिए, और 4 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। तो इसको हम लोग ऐसे का, मतलब ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ठीक है ना। तो 3 की पावर 3 में हम करते हैं तो हमको मिलेगा 27, और 27 में इकाई का अंक क्या है, 7, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है 22 की पावर 23, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इकाई में क्या है, 2, और 2 की पावर 23, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 की जो साइक्लोसिटी होती है ये क्या होती है, 4 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर हमको यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखिए आप, 3 बचेगा, 2 की पावर 3 करते हैं हम 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 8, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 7 की साइक्लोसिटी कितनी होती है फ्रेंड्स, 4, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे, और 7 की पावर 1 में जो होता है, मतलब यूनिट नंबर जो होता है, इकाई का अंक जो होता है वो 7 ही होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी क्या होगा, 7 ही होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको इकाई का अंक बता रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें इकाई का अंक बताना है, तो आप क्या करेंगे, सारे के इकाई के डिजिट ले लेंगे, इसमें 4 ले लेंगे, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 63, ठीक है ना, सॉरी इसका हो जाएगा 21। फिर आप इसको छोड़ देंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे तो 2, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2, ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 2। अगला क्वेश्चन है 5627 की पावर आपको दी गई है 153 मल्टीप्लाई बाय 671 की पावर आपको दी गई है 72, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकाई में 7 है और 7 की जो साइक्लोसिटी होती है ये होती है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमको रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो 4 से कैंसिल आउट करते हो तो आप, मतलब रिमाइंडर आपको 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम लोग, इंटू
वन की साइक्लोसिटी वन ही होती है, ठीक है, मतलब वन की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई में हमको क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, इसलिए इसका यहाँ पर वन ही लिख देंगे हम, और सेवन का जब वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा सेवन, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेवन। अगला क्वेश्चन है, सेवन की पावर 95 माइनस करना है आपको थ्री की पावर 58 से, तो यहाँ सेवन की पावर 95 दी है, हम 95 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि 7 की जो साइक्लोसिटी है वो 4 है, यहाँ पे 3 की साइक्लोसिटी भी 4 होती है, इसलिए इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है ना, हम जब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमको बचेगा रिमाइंडर 3, तो हम इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे, माइनस यहाँ पे हमको रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है, हम इसको 3 टाइम लिखेंगे, तो इसको करेंगे 2 टाइम, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 49 इंटू 7 माइनस 9, यहाँ पे इन दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 63, हाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 63, ठीक है, माइनस 9, अब क्या करेंगे हम 3 माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस 4, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 6, और जब कभी भी आपको माइनस में वैल्यू प्राप्त हो तो इसको आपको क्या करना है, 10 में से माइनस कर देना है, तो 10 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, मतलब इसमें यूनिट नंबर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3694 की पावर दी गई है आपको 1793 इंटू 615 की पावर आपको दी गई है 317 इंटू 841 की जो पावर आपको दी गई है ये दी गई है 491, तो आपको इन सभी में इकाई का अंक बता रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 4 की पावर, 4 की साइक्लोसिटी जो होती है वो केवल और केवल 2 होती है, तो आपको 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आप केवल और केवल एक लास्ट का इकाई अंक भर ले सकते हो, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे इनटू, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इकाई में 5 और 5 ही जो साइक्लोसिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, मतलब 5 की पावर कितनी भी कर दो आपको इकाई में क्या मिलेगा, हमेशा 5 ही मिलेगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है और 1 की साइक्लोसिटी भी हमेशा 1 ही होगी, क्योंकि उसकी पावर कितनी भी कर दें हम हमेशा हमको 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है, जब यहाँ पे हम 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है, और जब हम इसमें यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 इंटू 1, तो हमको इसमें इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है, इसमें हमको इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पे 3 और 3 की साइक्लोसिटी होती 4, जब हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे और इसमें यहाँ पे 6 है और 6 की जो साइक्लोसिटी होती है ये होती है 1, ठीक है ना, तो यहाँ पे 43 में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे इंटू, और यहाँ पे जो 7 की साइक्लोसिटी होती है 4, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर केवल 1 बचेगा, 6 की साइक्लोसिटी 1 होती है, इसलिए क्या होगा हमेशा यहाँ पे 6 की पावर हमको इसकी पावर कितनी भी कर दें हमें यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 2 शेष बचेगा, ठीक है, यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा 18 इंटू 7, और जब यहाँ 8 और 7 का मल्टीप्लाई करते तो हमको मिलेगा 56, और 56 में यूनिट नंबर जो है वो 6 है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 6, ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17 की पावर आपको दी है 199, ठीक है, प्लस 11 की पावर आपको दी है 1999 माइनस 7 की पावर आपको दी है 1999, ठीक है, आपको इसमें इकाई का अंक बताना है, तो यहाँ पे इकाई में 7 है तो हम 7 की पावर ले लेते हैं, क्योंकि 7 की जो साइक्लोसिटी 4 है और 4 से डिविजिबल का जो रूल है, ठीक, डिवीजन का जो रूल है वो ये कहता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 99 ले लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 की साइक्लोसिटी 1 होती है इसलिए
वन की पावर कितनी भी हो हमेशा उसका जो इकाई में अंक आएगा वो वन ही होगा, यहाँ पे 7 की पावर 99। आप देख सकते हो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा और हमको केवल क्या मिल जाएगा, वन। मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, 867943, ठीक है। ये नंबर दिया गया है, इसमें आपको सात का स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। तो सात का स्थानीय मान यदि आपको निकालना है तो सात लिखना है, उसके बाद जितने नंबर उतने जीरो आपको यहां लगा देना है, ठीक है। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वही वैल्यू होती है जिसका पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे 7 का जातीय मान पूछा गया तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 66993, ठीक है ना, 6993, 6993 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एक नंबर दिया गया है 689235, मैं आपको 9 तथा 3 का जो स्थानीय मान है इनका अंतर बताना है। तो 9 का स्थानीय मान यदि आप निकालते हो तो 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 लिखना है, उसके बाद जितने डिजिट होंगे सबका सब जीरो कर देना है, माइनस 3 लिखना है, और 3 का स्थानीय मान यदि आपको निकालना है तो 3 लिखकर उसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगाना है, फिर इन दोनों को हम लोगों को अंतर निकालने से इन दोनों को हम माइनस करेंगे। जब हम इन दोनों को माइनस करते तो हमको मिलेगा 8970, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद जो 76 नंबर से क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे वो अगले वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू दोस्तों।